My name is Seema. I am your GK teacher. Today I will teach you chapter number 2, quote C. चलिए आइए आज मैं आपको quote के अंदर देखे चलूँ. Quote में क्या होता है? सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा quote में एक जज बैठा होता है, then एक वकील होता है, एक criminal होता है जिसमें crime किया होता है, पुलिस उसे arrest करके ले जाती है जज के पास ताकि जज उसको जो भी उसने गलती की है उसकी सजा उसे सुना सके, और अगर वो बेगुनाह है तो वो वकील की मदद से अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके. इन सब चीजों के लिए जज के रूम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? मुझे सबसे टॉप पे बैठा है जज, देन उसके नीचे है क्लर्क. जो भी कोर्ट में जज फैसला सुनाते हैं उसकी जो फाइनल डिसीजन होता है जज का वो क्लर्क उसे राइट डाउन कर लेते हैं. लॉगर, जो भी जज बोलते हैं उसे वो लॉगर फटाफट से टाइप करते हैं. डिफेंडेंट, इसने क्राइम किया है, क्राइम किया भी है या नहीं, इसे पुलिस ने अरेस्ट किया होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं डिफेंडेंट. विटनेस, उस क्राइम को किसने देखा है या नहीं देखा है वो है विटनेस. फिर इस क्रिमिनल को बचाने के लिए वकील दिया जाता है जो उसके लिए केस लगता है. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं जिसका कानूनी तौर पर फैसला सुनाया जाता है सही और गलत, है ना. हमारे देश में हर स्टेट में एक कोर्ट प्रेजेंट होता है, हर राज्य में जो लोग क्राइम करते हैं जिनके साथ गलत हुआ होता है वो सही डिसीजन लेने के लिए, न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं ताकि उन्हें सही न्याय मिल सके. किसी के साथ धोखाधड़ी भी होती है, किसी के साथ चोरी हो जाती है, वो अपना न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जाते हैं. हमें कोर्ट की जरूरत इसलिए. तो तीन तरह के कोर्ट होते हैं, स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेट में होता है, अगर इसमें आपको फैसला नहीं सही मिला है, आपको न्याय सही नहीं मिला है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं. हाई कोर्ट में भी अगर आपको फैसला नहीं मिला सही तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं. सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट. ओके स्टूडेंट, आपको ये कोर्ट का सीन बहुत मजेदार लगा होगा, इसलिए कभी भी आप कोई गलत वर्क ना करें, गलत काम ना करें, जो कानून के खिलाफ है उस काम को आपको नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, चलिए आपको बहुत मजा आया होगा, इस टॉपिक को एक बार आप पढ़िए घर में और उसको स्टडी कीजिए.